स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर, जिसे लेकर अब पाकिस्तान का नाम इस युद्ध में शामिल होने लगा है। दरअसल रूस ने एक दावा किया है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन परमाणु शक्ति बनने के लिए अब पाकिस्तान की मदद ले रहा है और लगातार इन कोशिशों में जुटा है कि किस तरीके से उसे परमाणु तकनीक हासिल हो जाए। रूसी सीनेटर इगोर मोर्ज़ोरोव ने दावा किया है कि इस सिलसिले में दोनों देशों के अधिकारी और जानकार एक दूसरे के देशों का भ्रमण भी करने लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के कई स्पेशलिस्ट इस दौरान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और पाकिस्तान से भी एक डेलीगेशन कीव में आया था ताकि वो परमाणु के सिलसिले में आपस में बात कर सकें। हालांकि दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध से जोड़कर सामने आ रहा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान की ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बनी कई बम और एम्यूनिशंस यूक्रेन वॉर में देखे गए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। ऐसे में अगर रूस का दावा सही है तो ये एक बार फिर नॉर्थ कोरिया वाला मामला बन जाएगा, जहां पर पाकिस्तान पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि बेनजीर भुट्टो की सरकार में पाकिस्तान ने मिसाइल तकनीक हासिल करने के लिए 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेच दी थी, जिसमें पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान का नाम भी सामने आया था। ऐसे में रूस का दावा है कि पाकिस्तान एक बार फिर वैसी ही हरकत कर सकता है और इस बार ये परमाणु तकनीक वो यूक्रेन को दे सकता है। साथ ही यहाँ पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी युद्ध को टालने में परमाणु हथियारों का अहम रोल होता है, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो हो सकता है कि रशिया कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए बैकफुट पर चला जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन के पास कभी भी परमाणु बम नहीं हुआ करता था। हालांकि सीधे तौर पर वो इसका मालिक नहीं था, लेकिन सोवियत एरा के कई सारे हथियार उसके इलाके में मौजूद थे, जिसे यूक्रेन ने लिस्बन प्रोटोकॉल के तहत त्याग दिया था, जो मौजूदा दौर में यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। इस बीच रूस की तरफ से डर्टी बम को लेकर भी बयान आया है। साफ तौर पर रूस की तरफ से कहा गया है कि डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन करेगा, इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने डर्टी बम के इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और उसकी ये तैयारी फाइनल स्टेज में है। आपको बता दें, डर्टी बम दरअसल रेडियो एक्टिव और बायोलॉजिकल और केमिकल मटेरियल्स का बना हुआ मिला जुला रूप होता है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल के जरिए या किसी विस्फोट के जरिए किया जा सकता है। लेकिन इस बीच सबकी निगाहें एक बार फिर पाकिस्तान पर आ गई हैं कि क्या पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की तरह ही यूक्रेन को भी परमाणु तकनीक बेच देगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध में एक भयावह स्थिति को पैदा कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे लेकर अब तक कोई भी बयान नहीं आया है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पुतिन की भी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कांपते हुए नजर आए थे, और इसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर निशाना साधा था। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।